राज्य में मौजूदा भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यह बयान कलेक्टर नैना गुंड ने 16 जुलाई को गोंदिया और तिरोदा तालुका में संभावित बाढ़ संभावित गाँव के निरीक्षण के दौरान दिया। जिले के 96 गांव संभावित बाढ़ जोखिम में है। मानसून की अवधि शुरू हो गई है और जिले में बारिश ने भारी उपस्थिति दर्ज कराई है। गोंदिया जिले में पिछले सप्ताह भारी बारिश की सूचना है, इसलिए कलेक्टर नैना गुंडे ने बाढ़ प्रवण गांवों की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए राजेगांव, बिरसोल, कासा, कांटी, किंदगी पार, दिवरटोला गाँव का दौरा किया और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत और बाढ़ की स्थिति की योजना और भौगोलिक स्थिति का निरीक्षण किया। इस साल इस अवसर पर कलेक्टर के साथ संतोष खांडे, तहसीलदार गोंदिया अनिल खटकर, अतिरिक्त तहसीलदार गोंदिया शहर, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी राजन चौबे, कार्यपालक अभियंता राज कुरेकर, बाढ़ नियंत्रण अधिकारी महेश भंडारकर और अभिषेक यादव, इंजीनियर जयंत तिराले मुख्य रूप से उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।